एक कहानी है सुंदरपुर नामक जंगल की। सुंदरपुर नामक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में रानी चिड़िया अपने पति के साथ रिहा करती थी। रानी चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर अपने घर में खुशी खुशी रहते थे। रानी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने खेत में बैंगन उगा कर बैंगन की खेती किया करते थे। उसके बाद रानी चिड़िया का पति बंटी कबूतर उन बैंगनों का अचार बनाकर दूसरे जंगल में ले जाकर बेचता था, जिससे उनका घर अच्छे से चल जाता था। फिर एक दिन अचानक से ही बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है और बंटी कबूतर की वहीं पर मौत हो जाती है। अरे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम अभी तो ठीक ही थे। फिर रानी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के मरने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। थोड़े दिन बाद रानी चिड़िया के घर का सारा राशन खत्म हो जाता है और रानी चिड़िया के घर की स्थिति खराब होने लगती है। अरे, अब धीरे धीरे मेरे घर की स्थिति खराब होने लगी है। अगर मैंने अब कोई काम करना शुरू नहीं किया तो मेरे घर की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अब मुझे दूसरे जंगल में जाकर कोई काम ढूंढना चाहिए। फिर रानी चिड़िया दूसरे जंगल में जाकर कोई काम ढूंढकर काम करके अपना घर चलाने के बारे में सोचती है। फिर रानी चिड़िया अगले दिन दूसरे जंगल में काम ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन रानी चिड़िया को उस जंगल में कोई काम नहीं मिलता है तो रानी चिड़िया दुखी होकर वहाँ पर बैठ जाती है। फिर रानी चिड़िया के पास एक खरगोश आता है और वो खरगोश रानी चिड़िया को दुखी देखकर रानी चिड़िया से बोलता है, अरे रानी बहन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी दुखी क्यों हो और इतनी परेशान होकर क्यों बैठी हो? अरे क्या बताऊं खरगोश भैया, तुम्हें तो पता ही है ना, पहले मैं और मेरे पति बैंगन की खेती करके उनका अचार बनाकर बेचा करते थे तो हमारा घर आसानी से चल जाता था। लेकिन मेरे पति के जाने के बाद मुझे कोई काम नहीं आता है और मेरे घर की स्थिति खराब होने लगी है। अरे तो रानी बहन, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? तुम्हें अचार बनाना ही तो नहीं आता है, बैंगन की खेती करना तो आता है ना? तो तुम बैंगन की खेती करो और बैंगन तोड़कर बाजार में बिना अचार बनाए ही बेचो। तुम्हारे बैंगन भी बहुत ज्यादा बिकेंगे। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे बैंगन की खेती तो करनी आती है। मैं बैंगन की खेती करना चालू करती हूँ और बैंगन तोड़कर बाजार में बेचूंगी। फिर रानी चिड़िया बैंगन की खेती करके बैंगन तोड़कर बाजार में बेचने के बारे में सोचती है। फिर रानी चिड़िया अपने घर पर आ जाती है और सोचती है, अरे हमने बैंगन बो रखे हैं, मैं आज ही खेत में जाकर देखूंगी कि बैंगन पक गए या नहीं पके। रानी चिड़िया अपने बैंगन के खेत में चली जाती है। अरे अभी तो बैंगन पूरी तरह नहीं पके हैं, अभी एक बारिश की और जरूरत है। अगर जल्दी से एक बारिश हो जाए तो सारे बैंगन पक जाएंगे। रानी चिड़िया अपने खेत से अपने घर पर आ जाती है और बारिश का इंतजार करती है। फिर थोड़ी देर बाद उस जंगल में बहुत तेज बारिश हो जाती है। अरे वाह, आज तो इस जंगल में बहुत तेज बारिश हुई है, अब तो मेरे सारे बैंगन पक गए होंगे। रानी चिड़िया अपने खेत में जाकर देखती है तो रानी चिड़िया के सारे बैंगन पक गए थे। अरे वाह, मेरे सारे बैंगन पक गए हैं, अब मैं इन्हें तोड़कर दूसरे जंगल में ले जाकर बेचूंगी और पैसे कमाऊंगी। फिर अगले दिन रानी चिड़िया अपने खेत से सारे बैंगन तोड़कर दूसरे जंगल में ले जाकर बेचने लगती है। फिर रानी चिड़िया के पास कालू कौवा आता है और रानी चिड़िया से बोलता है, अरे रानी बहन, तुमने बैंगन बेचना शुरू कर दिया क्या? पहले तो तुम बैंगन का अचार बेचा करते थे। कोई बात नहीं है, मैं बाजार में बैंगन लेने ही जा रहा था। तुम ये बताओ, बैंगन कितने रुपए किलो दे रही हो? अरे हाँ, मेरे पति के जाने के बाद मैंने बैंगन
बेचने शुरू कर दिए क्योंकि मुझे बैंगन का अचार नहीं बनाना आता है। मैं बैंगन सिर्फ 15 रुपए किलो दे रही हूँ। अरे वाह, तुम तो बैंगन बहुत सस्ते दे रही हो। बाजार में तो बैंगन 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। तुम मुझे 2 किलो बैंगन दे दो। फिर बैंगन सस्ते होने के कारण कालू कौवा रानी चिड़िया से 2 किलो बैंगन खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रानी चिड़िया के बैंगन सस्ते होने के कारण सब रानी चिड़िया से ही बैंगन खरीदने लगते हैं और धीरे धीरे रानी चिड़िया के बैंगन बहुत ज़्यादा बिकने लगते हैं। फिर रानी चिड़िया धीरे धीरे बहुत पैसे कमाने लगती है और एक दिन बहुत अमीर बन जाती है। फिर रानी चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ज़रूरी नहीं है हम किसी काम को एक तरीके से ही करें, हम किसी काम को दूसरे तरीके से करके भी सफलता पा सकते हैं। जैसे रानी चिड़िया और रानी चिड़िया का पति बंटी कबूतर खेत में बैंगन की खेती करके उनका अचार बनाकर बेचा करते थे, लेकिन रानी चिड़िया के पति के जाने के बाद रानी चिड़िया बैंगन का अचार नहीं बना पाई, इसलिए उसके घर के हालात खराब होने लगे। फिर उस खरगोश ने रानी चिड़िया को बताया कि ज़रूरी नहीं तुम बैंगन का अचार बना कर ही बेचो, सिर्फ बैंगन भी बेच सकती हो। फिर रानी चिड़िया ने उस खरगोश की बात मानी और फिर से बैंगन की खेती करके बैंगन बेचना शुरू किए, जिससे रानी चिड़िया के बैंगन बहुत बिकने लगे और रानी चिड़िया बहुत पैसे कमाने लगी। फिर रानी चिड़िया बहुत अमीर हो गई और वह खुशी खुशी रहने लगी।